दुनिया लड़ाई है। आज हमारे पुरखों को नमन करते हुए इस 84 विधानसभा उपचुनाव उपचुनाव में हमारे मंचा सिंह समस्त अतिथिगण, समस्त पार्टी पदाधिकारी, हमारे पूर्व लोकसभा प्रत्याशी राष्ट्रीय सदस्य कांति भाई, हमारे अस्कुर विधायक उमेश जी, जिला अध्यक्ष जी और साथ ही हमारे मुस्लिम समुदाय के पदाधिकारी, हमारे एससी समुदाय के पदाधिकारी और साथ ही इस पंडाल में विराजमान सारे गणवीरों को, बड़े बुजुर्गों को, माताएं बहने और इस पंडाल में विराजमान ओबीसी समुदाय, एससी समुदाय और समस्त समुदाय से आए हुए साथियों को, आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सभी एक ऐसी दीवार के सामने लड़ने के लिए तैयार हो गए, एक ऐसे इंजन के सामने लड़ने के लिए तैयार हो जो जुनून के साथ हो, बिना डर के हो। वो इंजन कहते हैं डबल इंजन की सरकार है। उस डबल इंजन की सरकार के सामने 84 में टंका बजाने के लिए आप तैयार हो गए, उसके लिए आप सभी को धन्यवाद। देश की सारी मीडिया, राज्य की मीडिया चर्चा कर रही है 84, तो वजन है कम नहीं है 84 में सत्याग्रह है, बिल्कुल सत्याग्रह है। पूरे देश में निगाह है तुम माते ही, अब्बा नहीं मुख्यमंत्री जी, अब्बा नहीं गामा गामा सही नहीं, अब्बा लो आओ खाओ पीवानो सब आलो पर तुम्हें नकल पर मन का तो नहीं है। वो ये सब घटना क्यों हुई है, ये परिस्थितियां क्यों बन रही है कांग्रेस बीजेपी की, क्योंकि आज तक इन लोगों ने इस इलाके से वोट ले गए, यहां से विधायक सांसद चुना और लोकसभा विधानसभा में जाके पीछे बिठाया और सिर्फ उससे हाथ खड़ा करवाया, उसके अलावा कुछ नहीं करवाया। हम लोग हम देश का राज्य का अगर इतिहास उठा के देखते हैं पिछले 30-40 सालों के अंदर, ये लोग डंका बजाते हैं देश को आजाद कराया, देश में ये कराया वो कराया, लेकिन पिछले 10-20 सालों का अगर इतिहास उठा के देख लेते हमारे इलाकों का, राज्य सरकार बजट पास करती है हमारे इलाकों में छोटा मोटा कुछ दे देती है खुश कर देती है, केंद्र सरकार बजट पास करती है छोटा मोटा कुछ दे देती है खुश कर देती है, और उल्टा हमारे अधिकार, हमारे यहाँ की नौकरियां, हमारा रिजर्वेशन, हमारे जल जंगल जमीन पे कुठारा घात करने का काम। साथियों भाषण लंबा है, समय हो चुका है, इसलिए मैं 2 से 3 मिनट में अपनी बात रखना चाहूंगा, और बहुत सारे साथी भी रास्ते में आ रहे हैं, हमारी माता बहने भी जो जुनून के साथ आई हुई है, और इसी बीच में हमारे जिला परिषद सदस्य माया जी भी आए हैं, आपका तहे दिल से स्वागत, और 2 मिनट के लिए चाहेंगे आप आपके मंच पे पहुंचे, और हमारे प्रदेश प्रवक्ता दिनेश जी पार्की साहब आप दोनों भी आए मंच पे विराजमान हो। बीजेपी ने एक माहौल बनाया, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, डबल इंजन की सरकार बन गई। मैंने एक बात देखी देश के अंदर, हमारे गरीब तबके के लोगों को ये सिर पर छोटी मोटी योजना के नाम से बेवकूफ बनाने का काम करते, मैंने देश दुनिया को समझा, केंद्र राज्य की सरकार की योजनाओं को समझा, पता चला मुझे कि मेरे गरीब समुदाय बेचारा इसको योजना के नाम से ठग रहे हैं और ये लोग मोटी कमाई कमा रहे हैं। तब मैंने कहा लोकसभा के अंदर कुछ और कहते हैं कि बेरुपये की लोग वाला फेर हो जुटे हुए, अच्छी बात है, मिलना चाहिए गरीब लोगों को, मैं भी चाहता हूं, लेकिन ये योजना कहां से आई, कौन लाया इस योजना को। कुछ लोग कहते हैं कि छोटी पार्टियां क्या होता है, अगर छोटी पार्टियां नहीं होती तो आज देश में 2 रुपए किलो गेहूं नहीं मिलता। यूपीए की सरकार थी, मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे, 2 बार यूपीए की सरकार बनी, 17 छोटी पार्टियों ने मिलकर कांग्रेस को समर्थन दिया और कांग्रेस को कहा
कि देश में अगर रोजगार गारंटी आवे ते तमन हमें समर्थन आला तो कांग्रेस को कहना पड़ा बिल। क्षेत्रीय पार्टी ने कहा कि देश में खाद्य सुरक्षा अधिनियम मतलब फ्री में अनाज निःशुल्क अनाज देने का अगर कानून लाते हो तो आपको समर्थन देंगे। रोजगार गारंटी अधिनियम जिस रोजगार गारंटी के नाम से ये पार्टी वाला वोट लेते हैं और आज यहाँ भजनलाल जी आ रहे हैं रोजगार गारंटी के लोगों को पाबंद करके यहाँ ला रहे हैं, लेकिन ये रोजगार गारंटी अधिनियम क्षेत्रीय पार्टियां नहीं होती क्योंकि की सरकार नहीं लाती। 2004 से लगा के 2014 तक केंद्र में मनमोहन जी प्रधानमंत्री रहे, 17 पार्टी ने सहयोग किया। अगर फुल फ्रेश कांग्रेस होती तो ये एक भी नरेगा कानून आज देश में लागू नहीं हुआ होता। और पिछली बार दो बार मोदी जी फुल फ्रेश और तीसरी बार फुल फ्रेश, अभी तो एनडीए हुआ लेकिन पहली बार फुल फ्रेश आए देश में तो उन्होंने रोजगार गारंटी को खत्म करने के लिए ऑनलाइन कर दिया। इधर की तो ऑनलाइन मेहनत कार्यक्रम राजनीति कर रहे इतने बड़े नेता हो गए इतना कुछ झूठ बोलने का काम करते हैं ये बीजेपी और कांग्रेस के कुछ लोग। राजनीति का लेवल होना चाहिए, बोलने का भी लेवल होना चाहिए। ये क्यों बोल रहे हैं कि हमारी जनता को क्या समझते हैं ये लोग, ये नादान लोग हमारे को हटा के आ जाएंगे। पेंशन की लड़ाई हम लड़ रहे हैं आपको की बदौलत और अभी 2 महीने की पेंशन आई, छात्रवृत्ति 3 साल हो गए नहीं आई थी, फिर बच्चे सिद्धार्थी मोर्चा लड़ाई लड़ा, हमारे विधायक लड़ाई लड़े और छात्रवृत्ति अब आ रही है। राजकुमार ने बी ए के आविजत को कही हमें की दी। आज इस पर ये बनी हुई है, समय हो गया है। मैं अंत में दो ही बात कहना चाहूंगा, ये लोग हमारे यहाँ इस इलाके में रहने वाले अन्य समुदाय को भड़काते हैं। इस मंच से मैं कहना चाहूंगा, मैं पिछली बार विधायक रहा, मैंने ट्रांसफर कराए सबके, मैं सबको मेरे इलाके में लाया, मैंने किसी को बाहर फेंकने का काम नहीं किया। मेरे सारे कर्मचारी भले वो जनरल का था, ओबीसी का था, एससी का था, सबको फ्री में ट्रांसफर करा के लाया मैं। और आज भाजपा के लोग पैसा ले लेके ट्रांसफर कर रहे हैं, हमारे इलाके से कर्मचारियों को भगाने का काम कर रहे हैं। चिंता मत करो, आज से शुरू कर दिया है, 84 में रगड़ा निकाल देंगे उनका, क्योंकि ये सच्चाई के साथ लड़ने वाले हैं। अपने कमजोर जरूर है, अपने पास बड़े बड़े जब्बे बड़े बड़े पेट वाले नहीं है, लेकिन चिंता मत करो, दिल से अपने सब बड़े हैं और इस बार रगड़ा निकाल देंगे। समय काफी हो चुका है, आप सभी से अनुरोध है कि अपने अनुशासित होके हमारा जो उम्मीदवार है उनकी गाड़ी है, साथ ही अपन सब चलेंगे, इसके पीछे महिला चलेगी, इसके पीछे बुजुर्ग चलेंगे, इसके बाद हमारे युवा साथी रहेंगे। अनुशासित होकर सबको नामांकन के लिए चलना है, नामांकन भरेंगे, इसके बाद दोबारा एक जगह इकट्ठा होंगे और वहां से अपनी रणनीति तैयार करेंगे और 84 में आंसू की मूर्त करते और 84 में सबका पाइन आज घूम रही गलतुआ। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद, आभार, जय जोहार, जय भारत, जय संविधान। सब शांतिपूर्वक तरीके से भारत आज और